हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निक्स। क्या हाल है आप लोग के? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैंने रिव्यू किया था रियलमी बड्स Q2 वन प्लस नॉट बड्स और रियलमी बड्स Z3S का। तो मैंने उसमें पूरा डिटेल में हर एक चीज बताया। तो मैंने उसमें साउंड क्वालिटी, साउंड टेस्ट या म्यूजिक टेस्ट मैंने वो डाला नहीं था। तो अभी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा था, ऑलमोस्ट ये वीडियो 20 मिनट का है, तीनों का कंपेरिजन रहेगा। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि तीनों का जो इक्वलाइजर है, तीनों का जो कॉमन इक्वलाइजर वो है बेस वाला, और सेकंड आता है आपका ओरिजिनल साउंड, और थर्ड आता है वोकल्स। तो स्टार्टिंग में जो कंपेरिजन किया हूँ वो तीनों का मैं पहले यही किया हूँ, क्योंकि रियलमी बड्स Z3S और वन प्लस नॉट बड्स में दो एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है। वन प्लस नॉट बड्स में बोल्ड आता है और रियलमी बड्स Z3S में प्योर बेस आता है, और दोनों में कस्टम आते हैं। कस्टम में आप क्या कर सकते हो, इक्वलाइजर सेट कर सकते हो। तो वो जो चीज है वो आखिरी में मैंने रखा है, बाकी ये जो कॉमन जो तीनों के आते हैं, बेस, ओरिजिनल साउंड और वोकल्स, ये स्टार्टिंग में ही है। तो गाइस, ऐसे ही वीडियो लंबा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। और एज यूजुअल गाइस, चैनल पे सुपर थैंक्स एक्टिव हो चुका है, आप चाहे तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और गाइस, इन तीनों प्रोडक्ट्स के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इन तीनों में से कुछ परचेस करना चाह रहे हैं तो उनसे जरूर परचेस करिएगा, थोड़ा मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो गाइस, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि दिख रहा है आपको, डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे ऑफ है, क्योंकि इसमें डॉल्बी एटमॉस है नहीं तो मैं चालू भी नहीं करूंगा। चालू कर सकते लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जितना भी टेस्ट कर रहा हूँ बिना डॉल्बी एटमॉस के ही है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कनेक्टेड है, रियलमी बड्स Q2 आपको यहाँ पे दिख रहा है। नॉर्मल मोड है, नॉइस कंट्रोल में, नॉइस कैंसिलेशन मैंने चालू नहीं किया है। तो बेस बूस्ट प्लस मैंने यहाँ पे रखा है जैसे कि दिख रहा है, और वॉल्यूम एनहांसर यहाँ पे चालू है। और जो ये जो वॉल्यूम मैं 10 पॉइंट्स पे ही रखा हूँ, इतना ही रखा, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। इससे अगर ऊपर जा रहा था तो डिस्टॉर्ट हो रहा था, अगर फिर से डिस्टॉर्ट होगा तो मैं 1 पॉइंट कम करूंगा। 15 पॉइंट्स तक जाता है ये, तो मैं 10 पॉइंट्स तक ही रखा हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे देख सकते हैं वन प्लस नॉट बड्स यहाँ पे कनेक्टेड है, बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। सो गाइस, अभी आप देखेंगे कि मैंने बेस मोड में कर दिया है, साउंड इक्वलाइज, साउंड मास्टर इक्वलाइजर को, और चलिए सॉन्ग स्टार्ट करते हैं फिर। सो गाइस, जैसे दिख रहा है आपको डॉल्बी एटमॉस ऑफ है, वापस से रियल मी लिंक ऐप में जाते हैं। अभी अपन ये डीप बेस कर देते हैं, मतलब बेस कर देते हैं बेसियर साउंड के लिए। अभी वापस से मेरे को इसको पकड़ना ही पड़ेगा। वापस से अपन यूट्यूब में चलते हैं, यूट्यूब में यहाँ पे ऐसे करता हूँ मैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉन्ग, और वॉल्यूम इतना ही है।
और गाइस मुझे लगता है कि रियलमी लिंक ऐप के साथ ही प्रॉब्लम है। बार बार जब भी जितना भी मैं टेस्ट करता हूँ उसमें हर बार मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ता है, ये रियलमी लिंक ऐप ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं मैं बैलेंस में डाल दिया हूँ और एज यूजुअल डॉल्बी एटमॉस मैंने यहाँ पे चालू नहीं किया है, नहीं तो फिर भी मैं चालू नहीं करूंगा। और यहाँ पे हम म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। और वॉल्यूम मैंने 10 पॉइंट्स पे रखा है, अगर डिस्टॉर्ट होगा तो मैं 9 पे करूंगा। My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. साउंड इक्वलाइजर जो है वो बैलेंस में मैंने रखा हुआ है और यहाँ पे अभी हम सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसा देख सकते हैं हम डॉल्बी एटमॉस ऑफ है यहाँ पे और रियलमी लिंक ऐप से हम इसको ओरिजिनल साउंड कर देते हैं। ये वही फिर से नाटक हो गया गाइस, देखिए जैसे डिवाइस नॉट कनेक्टेड इसमें दिखा रहा है, वापस से मेरे को इसको बैक करना पड़ेगा। ये देखिए नॉट यूज्ड लिखा रहा है यहाँ पे, टच भी कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक्टिव है। अब इसको टच कर रहा हूँ फिर से वापस देखते हैं, ये तो हैंग हो जा रहा है। वापस से इसको खोल रहा हूँ, ये देखिए अब दिखाया, अब ओरिजिनल करूंगा अब हो रहा है ऐसा, मतलब ये हैंग हो जाता है। रियलमी बड्स एयर 3 न्यू में भी हैंग हुआ था और इसमें भी रियलमी लिंक है, तो ये प्रॉब्लम रियलमी लिंक ऐप का ही है, इतना तो समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं इसके बाद वाला अगर चेंज करूंगा प्योर बेस मतलब होता है कि नहीं। फिलहाल तो अभी ओरिजिनल साउंड कर दिया, सॉन्ग स्टार्ट करते हैं फिर। और वॉल्यूम एज यूजुअल 7 पॉइंट्स पे ही है। शायद एक पॉइंट बढ़ाना पड़े। कम करना पड़ेगा। ग्राफ डिस्टॉर्टेड है।
सो भाई जैसे कि मैं अभी इसको स्विच कर देता हूँ ब्राइट मोड पे, देखिए यही प्रॉब्लम है इसमें, मतलब रियलमी लिंक ऐप में ही प्रॉब्लम है कि अपने आप ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। देखिए फिर से मेरे को इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ये देखिए फिर से मैंने रिस्टार्ट किया, तब जाके दिखा रहा है। देखिए जैसे ब्राइट मोड मैंने लगा दिया, वॉल्यूम एनहांसर चालू है और एज यूजुअल डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे ऑफ है, और फिर ये यूट्यूब अप, और चलिए फिर सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेरेनेट लिखा है मतलब वो इसमें वोकल्स आपको क्लियर आएंगे। सो गाइस जैसे कि देखते थे ये डिवाइस Xiaomi 12 Pro, और जो डॉल्बी एटमॉस है वो ऑफ है, और यहाँ पे जो रियलमी लिंक ऐप से कनेक्टेड है, थोड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, ये जो है ना बार बार ना ऐसा निकल जा रहा है यार, दिक्कत हो जाएगा, बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा फिक्स नहीं रह रहा। चलिए ठीक है, रियलमी लिंक ऐप में देखिए जैसे कनेक्ट रियलमी बड्स 3S लिखा हुआ है, 80% बैटरी, 7-8 मोड, मतलब ये वोकल्स, इसमें आपको वोकल्स क्लियर सुना, एज यूजुअल गाने का चॉइस मैं कर रहा था तो मैं बोला इसी को गाने को रखते हैं, यही सॉन्ग रखते हैं, कम से कम आपको बीच से सबको समझ में आएगा, और यार ये थोड़ा दिक्कत करेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। और वॉल्यूम दिखा देता हूँ मैं आपको, 5-6 पॉइंट ही रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक बढ़ा देते 7 कर देते। तो गाइस मेरे को लगता है कि इसको मेरे को ऐसा पकड़ के रखना ही पड़ेगा तभी काम बनेगा। यहाँ से फिलहाल तो म्यूजिक स्टार्ट कर देता हूँ। I'm here and I'm
सो गाइस जैसे देख सकते हैं आप डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे ऑफ है, वापस रियलमी लिंक ऐप में आप देखते हैं होता है क्या, नहीं हो गया होगा क्या, बहुत देर से मैं कनेक्टेड था तो मैं उसको ना यूज नहीं कर रहा, कुछ कुछ चीजें देख रहा था करके हुआ, अभी अभी सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक है सब। ओके, बहुत देर आइडियल रहने से कम से आधा एक घंटा आइडियल रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम ऑकर होती है, क्योंकि नॉर्मल बात है क्योंकि बहुत देर से बैकग्राउंड आइडियल रहता करके। जो भी अगर देखिए अभी मैंने इसमें प्योर बेस में कर दिया है, और ये जो ये रहेगा वन प्लस में आपका बोल्ड सिग्नेचर जो रहता है, ये इसमें प्योर बेस है तो वन प्लस में आपका बोल्ड आएगा, और डीप बेस में आपका बेस आएगा, और ओरिजिनल साउंड में ओरिजिनल लिखा रहेगा, सरनेट तो आपको समझ नहीं आ गया, और कस्टम एज यूजुअल आपका इक्वलाइजर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं इसको पहले तो ईयरफोन ही सेट कर रहा था, मेरे को पकड़ना ही पड़ रहा है क्या करूँ मैं, तो इसको अभी ऐसा लगाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे ऑफ है, रियलमी लिंक ऐप में जाते हैं जहाँ पे ये कस्टम आता है। गाइस ये वन प्लस में भी है, लेकिन ये जो इक्वलाइजर अच्छे से जो काम करता है, इफेक्टिवली काम करता है, वो वन प्लस नॉट बर्ड्स का करता है, इसका उतना काम नहीं करता है। डिफॉल्ट प्रीसेट से जो अगर कंपेयर करेंगे ये 3S का जो है, मतलब ये जो पीछे के ये जो है, इससे अगर कंपेयर करोगे तो इसमें क्वालिटी ना और कम हो। अगर जैसे डीप बेस का बेस आ रहा तो अगर मैं यहाँ से बेस बढ़ाऊंगा तो डीप बेस से तो ज्यादा होना चाहिए ना, वो चीज नहीं होता यहाँ पे। आप नोटिस करिएगा, मैं अभी सॉन्ग चालू करूंगा, कम ज्यादा करूंगा और देख ही लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि बेस उतना नहीं आता है, ट्रेबल भले ही आ जाए लेकिन एकदम से जो समझा रहा हूँ प्रीसेट से जितना इनफ है, लेकिन अगर आप चाहे कि और चाहिए मेरे को बेस तो वो चीज इसमें नहीं हो पाता, ये इक्वलाइजर से नोटिस करिएगा। सो गाइस चलिए सॉन्ग स्टार्ट करता हूं। सो गाइस अभी हम कस्टम मोड ट्राई करने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग में मैं अभी चलिए वोकल्स को ऊपर कर देता हूँ, बेस को एकदम कम कर देता हूँ, जैसे कि आपको दिखाई देगा। ऑब्जर्व करिएगा, सुन के अपने म्यूजिक को ऑब्जर्व करिएगा, मैंने अभी ऐसा रखा हुआ। चलिए सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। I felt it's painful, all is said and done.
सो गाइज ये था तीनों का कंपैरिजन। आई होप आपको कुछ कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे। तो अगर खरीदना होगा ये तीनों में से कुछ तो आपको डिसाइड करने में इजी हुआ होगा। सो गाइज एज यूजुअल वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा। अगर अभी तक देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, और सब्सक्राइब अगर करके रखा है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और गाइज फिर से और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, थोड़ा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर वेयर करके थोड़ा और हेल्प कर दीजिए चैनल को ग्रो करने के लिए। सो गाइज मिलते हैं फिर ऐसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइज एंड ऑलवेज बी फियरलेस।